हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निशू खान। आज की वीडियो टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि क्या टाइटल है। एक्चुअली आज की वीडियो इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अक्सर लड़कियां इंस्टाग्राम पे जब मुझे मैसेज करती हैं, सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और हमें कुछ ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन बताएं। तो आज मैं बहुत सारी फाउंडेशंस आपको बताऊंगी, अपने बजट के हिसाब से आपने परचेस करनी है जो आपको अफोर्डेबल लगे, रीजनेबल लगे प्राइस में। आज मैं टोटल 10 या 12 फाउंडेशंस आपके साथ शेयर करूंगी जो कि एक्चुअली ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए हैं। सो वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा, आधी मत छोड़िएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऑयली स्किन के लिए कौन सी फाउंडेशन अच्छी है, कवरेज वाइज लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, लाइक स्मेल वाइज, क्योंकि काफ़ी सारी फाउंडेशन होती है जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होती है या उनसे पिंपल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी पाकिस्तानी ब्रांड यानी MM सिल्क फाउंडेशन, लाइक इसको प्रोनाउंस करते हैं मसरत मिसबा सिल्क फाउंडेशन। इस पे लिखा हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप, बट ये मैं रिकमेंड करूँगी कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए। ये आपको एक्चुअली देता है सैटन और थोड़ा सा मैट फिनिश, लाइक सैटन फिनिश, मैं मैट नहीं बोलूँगी। इसकी कवरेज जो है ये आपको देगा मीडियम टू फुल कवरेज, लाइक बिल्डेबल है, जितना आप उसे लगाओगे उतना ही कवर आपका फेस करेगा, लाइक ब्लैमिशेस स्कार्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से कवर कर देता है, पिंपल्स वगैरह को कवर कर देता है। इसमें टोटल आपको 13 शेड्स मिलेंगे, ठीक है। शेड वैरायटी जो है इसमें अच्छी है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स के काफ़ी फाउंडेशंस के शेड्स 14 होते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओ वाह, एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि मेरे पड़ोसी जो हैं वो जा रहे हैं यहाँ से, शोर ख़त्म हो जाएगा एट लास्ट। और ये कुकड़ियाँ ये पता नहीं कब जाएंगी, लेट मी शो यू गाइस। सो मेरा शेड जो है वो है आइवरी और ये पिंक अंडरटोन में है एक्चुअली, और इसकी प्राइस जो है 1790 रुपीज़ है। जब मैंने ये ख़रीदा था ये 1450 समथिंग था और अब इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, अब गैस और बिजली के बिलों में तो और भी ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। अब अल्लाह खैर करे कि इसमें और कितना इजाफ़ा होएगा। तो या पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह से है, ग्लास बॉटल में है और इसमें पंप अवेलेबल है जो कि बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन इससे निकल आती है, लेकिन फुक करके नहीं निकलती फाउंडेशन। और ये इसमें आपको 30 ml फाउंडेशन मिलेगी इस ग्लास बॉटल में जो ठीक ठाक आपका काफ़ी अरसा गुजार सकती है। अगर आप रोज़ाना फाउंडेशन भी अप्लाई करते हो उस हिसाब से भी ये आपकी काफ़ी टाइम तक चलेगी, ठीक है। तो आई होप कि इसके बारे में जो है ना आपका कुछ क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात ये कि आपने ऑनलाइन फाउंडेशन जो है वो सिलेक्ट किस तरह से करनी है। आप गूगल पे जो है स्वॉचेस देख सकते हो, काफ़ी लड़कियों ने स्वॉचेस भी शेयर किए होते हैं क्योंकि ऑनलाइन बहुत मुश्किल होती है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप जब मार्केट जाओ तो वहाँ से जो है स्वॉच करके ही ख़रीदो। देन सेकेंड मैं बात करूँगी माई मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी काम करती है, लाइक मेरी ड्राई स्किन है बट फिर भी जब मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ उसके बाद मैं अपने फेस को जो है इससे अप्लाई करती हूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड होता है मेरे फेस पे और मतलब बहुत ही इवन लुक आती है मेरे फेस पे और मैटिफाइंग है, यानी टोटल मैट हो जाती है आपके फेस पे, स्वेटिंग नहीं आती इतनी ज़्यादा। अब तो गर्मियाँ तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं बट फिर भी ऐसे जगह जहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं उसके लिए LA Girl Pro HD फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन। तो इसमें भी टोटल आपको मिलेंगे 14 शेड्स और मेरा शेड जो है वो है बेज। आई नो थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन से बट इट्स ओके, जब कंसीलर वगैरह लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। इस शीशे की बॉटल इसकी भी है, कैप जो है वो प्लास्टिक का है, ये भी ड्रॉपर फॉर्म में आता है, ठीक है। और जो है इसकी कवरेज जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी कवरेज जो है ये भी मीडियम टू फुल कवरेज है, बिल्डेबल है, जितना आप अप्लाई करोगे उतनी आपको कवरेज देगा, आपके दाने वगैरह को छुपाएगा आपके फेस पे। इसका टेक्सचर भी मैं बताती चलूँ तो इसका जो ड्रॉपर है उससे बहुत ही आसानी से जो है फाउंडेशन निकल आती है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका, आप देख सकते हो हैवी क्रीमी और हैवी, और थोड़ी देर बाद ही ये ड्राई हो जाती है।
आपके फेस पर से इन परफेक्शंस को ब्लर कर देती है एंड सुपर लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये वाटर प्रूफ है लाइक आपका फाउंडेशन जो है वो सुपर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा अगर आपने शादी वगैरह पे अप्लाई किया तो डरने की कोई बात नहीं है ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक हो सकता है पहले मुझे ऐसा फील ना हुआ हो कि ये ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं लेकिन अब की बात मैं आपको बता रही हूँ लाइक एले प्रो एच डी फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एले गर्ल एच डी इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन जो कि ड्राई स्किन के लिए है वो जो है वो ऑक्सीडाइज होती है मेरी स्किन पे अब आप लोगों का पता नहीं कि आप लोग के साथ ये चक्कर होता है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तो हमेशा कोशिश करें कि फाउंडेशन जो है एक टोन लाइटर लें अपनी स्किन टोन से वही फाउंडेशन जो कि ऑक्सीडाइज होती हो ठीक है थर्ड फाउंडेशन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है मेबलिन 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन फुल कवरेज और इसमें मेरा शेड है 10 आइवरी जो कि फिर भी मेरे स्किन टोन से डार्क है क्योंकि ऑनलाइन चीज़ ख़रीदने का यही सबसे बड़ा इशू होता है आप कहीं भी किसी शॉप पे जाके अपनी फाउंडेशन ख़रीदो ये वाली फाउंडेशन आपको शाहीन केमिस्ट डी वॉटसन इस्लामाबाद में अगर आप खुद द एडिट स्टोर vegas.pk ऐसे स्टोर्स पे आपको ये फाउंडेशन जो है मिलेंगी लाहौर और कराची का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं क्योंकि वहाँ मैं रहती नहीं हूँ तो आई रियली डोंट नो आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो एक दूसरे को बता सकते हो कि कौन सी शॉप्स पे कौन सी फाउंडेशन जो है वो अवेलेबल है तो इस फाउंडेशन के बारे में अगर बात करूँ ये भी आती है बहुत ही खूबसूरत पंप में प्लास्टिक और जो इसकी बॉटल जो है वो है ग्लास की ठीक है इसमें भी आपको 30 ml जो है प्रोडक्ट मिलेगा तो इसके टोटल शेड जो है वो है 14 shades आप डोंट नो कि 14 shades पूरे के पूरे यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं कि नहीं क्योंकि अमूमन जो है इंटरनेशनल ब्रांड की फाउंडेशंस जो होती हैं वो लाइटर शेड्स ही यहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो ये फाउंडेशन क्या करता है ये फाउंडेशन जो है ये सुपर 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 लॉन्ग लास्टिंग है लाइक आपके स्किन को सुपर ड्राई नहीं करती ठीक है मैटिफाइंग है बट इतनी मैट नहीं है ठीक है कि आपके फेस को बिल्कुल ही मैट कर दे तो द थिंग इज़ कि इसका फार्मूला बहुत ही क्रीमी है और ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम ऑन योर फेस सुपर मॉइस्चराइजिंग है ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है आप स्किन को मॉइस्चराइज कर लो बट दिस फाउंडेशन इज़ फॉर ऑयली स्किन लाइक उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ठीक है सारी फाउंडेशन जो मैं बयान कर रही हूँ वो सिर्फ ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए हैं ओके ओके आप इसे यूज़ करोगे 12 month में आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो आप ब्रश की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हो ठीक है सो ये फाउंडेशन जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होती तो डोंट वरी एट ऑल कि ये फाउंडेशन जो है आपकी स्किन पे ऑक्सीडाइज हो जाएगी चाहे ये आपने 4 घंटे लगाई हो 5 लगाई हो 6 लगाई हो ये वैसी की वैसी ही रहेगी आपको टचअप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यस आप इसको पाउडर अप्लाई करोगे सेट करोगे पाउडर्स के साथ लेकिन सेट करने के बाद जो है ये काफ़ी टाइम तक जो है वो अपनी जगह पे सेट रहती है सो यस डेफिनेटली टोटली रिकमेंड करूँगी मैं ये फाउंडेशन ट्राई ज़रूर करिएगा सबकी जो है प्राइजेज मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी ओके सो फोर्थ फाउंडेशन जो आपके साथ मैं शेयर कर अच्छा जो फोर्थ फाउंडेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है नॉर्डिक वाइल करेक्टिंग लॉन्ग वेयरिंग मिनरल फाउंडेशन ठीक है इसमें मेरा शेड जो है वो है फ्रीजा ठीक है इसमें आपको टोटल 9 shades मिलेंगे मिनरल फाउंडेशन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर किसी की प्रॉब्लमेटिक स्किन है जिनको पिंपल्स वगैरह हों तो उनके लिए मिनरल फाउंडेशन इज़ द बेस्ट फाउंडेशन क्यों भला क्योंकि जो आपके पिंपल्स वगैरह हैं वो फाउंडेशन से अक्सर इरिटेट हो जाते हैं या आपको और पिंपल्स निकल आते हैं ठीक है तो ये आपके स्किन पे और पिंपल्स नहीं निकालेगा जबकि आपके जो पिंपल्स हैं आपके फेस पे उसको ट्रीट करेगा ठीक है आपके फेस पर से पिंपल्स को रिमूव करेगा अगर रिमूव नहीं करता तो हेल्प करेगा उनको क्योर करेगा तो इसका जो है टेक्स्चर ये कुछ खुलता इस तरह से है इसकी पैकेजिंग जो है समथिंग लाइक शनेल डियोर आई डोंट नो इसकी टेक्सचर की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर जो है बहुत ही क्रीमी है इसकी सेंट जो है वो थोड़ी बहुत इरिटेटिंग है बिकॉज मिनरल मेकअप में कोई भी सेंट या कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं किए जाते जिससे बहुत ही फ्रेग्रेंस या बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए तो जो चीज़ें ऐड है लाइक नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है ये उसी की सेंट है बट लगाने के बाद जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है और इरिटेट नहीं करता बंदे को शुरू शुरू में मैं जब
जब आप निकालोगे और अप्लाई करोगे यू विल लाइक ये मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, एंड स्मेल जो है इट्स सो डिस्गस्टिंग, बट थोड़ी बार जो है रिमूव हो जाता है। और अपनी स्किन के साथ अगर कुछ अच्छा आपने लेना है अपनी स्किन के लिए तो जो है थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना होगा। यू नो आपकी स्किन के लिए मिनरल फाउंडेशंस आर द बेस्ट 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 थिंग। तो ये रही, तो आप देख सकते हो। अच्छा, इस फाउंडेशन का जो फिनिश है वो बिल्कुल मैट नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्लोई इफेक्ट देता है ये आपको। मैटिफाई करने के लिए आप इसे पाउडर के साथ सेट करोगे, ठीक है। आप इसका कोई भी मिनरल पाउडर यूज़ कर सकते हो, या इवन आप आइदर मिनरल्स का मिनरल पाउडर यूज़ कर सकते हो। इस बॉटल में आपको मिलेगा 26 ml, ठीक है। बॉटल जो है वो काफ़ी ह्यूज है दिखने में, बट इसमें आपको 26 ml मिलेगा। और इसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। पैकेजिंग जो है बहुत क्यूट पैकेजिंग है इसकी, और ये लॉन्ग लास्टिंग कितनी है। यू नो गर्ल्स, मिनरल फाउंडेशंस या मिनरल मेकअप इज़ नॉट दैट मच लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स और ऐसे चीज़ें नहीं ऐड की हुई होती जिससे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए, क्योंकि वो बस नेचुरल मेकअप होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से जो है वो बनाया जाता है। तो दीज फाउंडेशंस आर नॉट दैट मच सुपर लॉन्ग लास्टिंग बट रियली गुड फॉर योर स्किन। ओके, तो सारी फाउंडेशन की हम बात करें और उसमें हम आर्ट डेको को शामिल ना करें, कैसे हो सकता है? बिकॉज आर्ट डेको इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, बिकॉज आर्ट डेको की रिच ट्रीटमेंट फाउंडेशन इज माई फेवरेट फॉर ड्राई स्किन। तो मैं ऑयली स्किन गर्ल्स को रिकमेंड करूंगी आर्ट डेको की लिक्विड कैमोफ्लाज फुल कवर फाउंडेशन। ये शेड है 60 लाइट वार्म, जो कि मेरी स्किन से थोड़ी सी डार्क है। बट इस फाउंडेशन का सबसे बेस्ट बात यह है कि ये बिल्कुल डर्माकोल की तरह है, बट बेटर देन डर्माकोल, क्योंकि डर्माकोल जो है वो आपको बहुत ही ग्रीसी लुक देता है, जबकि ये बिल्कुल मैट हो जाती है आपकी स्किन पे। आई लव के ये बिल्कुल मैट हो जाती है स्किन पे। कवरेज जो है सुपर कवरेज है इसकी, लाइक फुल ऑन कवरेज, ठीक है। और इसमें टोटल जो शेड्स हैं ओनली 8 शेड्स हैं, लाइक बहुत ही लाइट शेड जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी अपना शेड जो है सेलेक्ट करने में जब मैं क्लास लेने गई थी। द थिंग इज़, ये मुझे पीआर पैकेज में रिसीव हुआ था, और जब मुझे वहाँ क्लास में अपना शेड ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई तो मैंने कहा चलो भाई छोड़ो, ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरी स्किन तो है और ड्राई, तो मैं इसका क्या करूँगी लेके। तो फिर मैंने छोड़ दी, वरना मैं पक्का इरादा किया था भाई बाजी ने तो ये लेनी है। सो इस ट्यूब में आपको मिलेगा 25 ml। सो इसके टेक्सचर की बात करें तो इसके टेक्सचर जो है वो क्रीमी फॉर्म में है, लाइक रनी फॉर्म में नहीं है, क्रीम फाउंडेशन है। और इसे आप ब्यूटीफुली ब्यूटी ब्लेंडर के साथ और ब्रश की मदद से यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप ब्रश ही यूज़ करो। कोई डेंस ब्रश जो है इसकी मदद से आप फाउंडेशन को ब्लेंड करो, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगी, और उसके बाद जो है आप ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से डैप करो ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक आए। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो और आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको सेट ना करो पाउडर के साथ, क्योंकि पहले ही आपकी स्किन बहुत ड्राई है, और आप इसको अगर सेट करोगे तो आपकी स्किन और भी फ्लेकी केकी अजीब सी लगेगी, ठीक है। तो हमने बात कर ली इसकी कवरेज की, लॉन्ग लास्टिंग, दिस वन इज़ सुपर 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 लॉन्ग लास्टिंग। लाइक अगर आपने किसी शादी फंक्शन में वगैरह में ये फाउंडेशन अप्लाई करनी है तो गेट इट गर्ल, बिकॉज दिस वन इज़ वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, एवरीथिंग प्रूफ, ट्रस्ट मी। क्योंकि इस पर फुल लिखा हुआ है लाइक फुल कवर फाउंडेशन, तो अगर आपको पिम्पल्स वगैरह हैं, एक्नी वगैरह है, तो इसको ये टोटली कवर कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट फाउंडेशन है। सो दिस वन इज़ रियली पॉपुलर अमंग इंस्टाग्राम फैम, या इंस्टाग्राम के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, या हर किसी को पता होगा, क्योंकि हुदा ब्यूटी का किसको पता नहीं है। अगर किसी को पता नहीं है, मेरे ख्याल से वो पत्थर के नीचे रह रहा होगा। सो हुदा ब्यूटी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, हुदा कतान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन और इंस्पिरेशनल पर्सन, या मेरी मैं कह सकती हूँ कि मैं उनसे इंस्पायर हुई थी, समथिंग लाइक दैट। तो मैं शेयर करूँगी हुदा ब्यूटी की फिल्टर फाउंडेशन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है फॉर ऑयली स्किन। वैसे तो ये क्लेम करती है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बट आई हैव ट्राइड इट, मेरी स्किन जो है ड्राई है, तो मेरी स्किन पर ये थोड़ा सा
की फ्लेकी लगती है, बट ऑयली स्किन गर्ल्स जिन्होंने ये यूज़ की है वो यही क्लेम करते हैं कि ये बहुत अच्छी है, उनके इनपरफेक्शंस को जो है वो ब्लर कर देते हैं, उनकी स्किन जो है बहुत ही इवन आउट हो जाती है। इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि मैंने आज कौन सी फाउंडेशन लगाई है, तो आज जो है मैंने फाउंडेशन लगाई है टू फेस्ड की बॉन्ड दिस वे फाउंडेशन। दिस वन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट 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 फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन टाइप। तो दोनों फाउंडेशन में आपको मिलेगा 35 ml हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन जो है, इसमें आपको 35 ml मिलेगा, एंड बॉर्न दिस वे फाउंडेशन में आपको मिलेगा 30 ml फाउंडेशन। सो दिस वन इज़ ऑयल फ्री फाउंडेशन, लाइक बिल्कुल ही मैट हो जाता है, बट आई डोंट फील दैट क्योंकि मैंने इसे अपनी स्किन पे अप्लाई किया हुआ है और ये आई वॉज थिंकिंग कि ये मैट नहीं है क्योंकि मैंने हाईलाइटर लगाया है, बट करीब से जब मैंने देखा तो ये टोटली मैट फाउंडेशन है। ऑब्वियसली मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन पे तो और भी ऐसी लग रही होगी, बट द बेस्ट पार्ट हुदा ब्यूटी की पैकेजिंग में कि प्लास्टिक पैकेजिंग है इसकी, चाहे ये 10-20 बार भी गिरे तो ये टूटेगा नहीं। एंड आई लव दिस के इसकी पैकेजिंग ऐसी है क्योंकि अक्सर मैं फाउंडेशन जो है मेरे हाथ से गिर के टूट जाती हैं। तो इसकी पैकेजिंग जो है अगेन ग्लास बॉटल में है, इसमें आपको टोटल मिलेंगे 30 शेड्स, एंड इसमें आपको मिलेंगे टोटल, इसमें भी काफ़ी सारे शेड्स हैं, तकरीबन समथिंग लाइक दैट, लाइक 23 समथिंग और 25। ये आपको जो है देता है फुल कवरेज, लाइक मीडियम टू फुल कवरेज बिल्डेबल है। दिस वन इज़ ऑल्सो फुल कवरेज फाउंडेशन, लाइक आपको दोनों थोड़ा सा कवरेज, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए अपने फेस को कवर करने के लिए, बट मुझे फील ये हुआ है कि इसको मैंने थोड़ा अप्लाई किया, इट गिव्स मी बहुत ही नेचुरल सा लुक, वो बहुत ही ओवर ओके की और बहुत ही फुल कवर फाउंडेशन नहीं है, लाइक इट इज़ मीडियम कवरेज फाउंडेशन फॉर मी क्योंकि मैंने हाथ हौला रख के लगाया था। देन दिस वन, दिस इज़ अ फुल 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 कवरेज फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करने के बाद जो है मैट हो जाती है, मे बी शायद मेरी स्किन ड्राई है, दैट्स वाई आई फील इट कि ये मैट हो जाती है, हो सकता है ऑयली स्किन पे मैट ना हो, सैटिन फिनिश देती हो। अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग कितनी है, मैंने हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन जो है अप्लाई की थी एंड इट वॉज क्वाइट गुड, मेरा एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने इसे अप्लाई किया था, सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, फिर मैंने हाइड्रेटिंग प्राइमर, देन हुदा ब्यूटी का ये फाउंडेशन, उसके बाद जो है मैंने पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। इवन इन समर्स जो है मेरे अंडर आइज़ बहुत ही फ्लेकी हो जाते हैं अक्सर जब मैं अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं करती। अच्छा, मैं एक फंक्शन के लिए गई थी एंड द थिंग इज़ कि फंक्शन जो है 5 बजे से स्टार्ट होता था और 5 बजे से लेकर जो है 11:30 बजे जब मैं वापस आई तो मेरी फाउंडेशन जो थी वो अच्छी खासी ठीक ठाक थी, अपनी जगह पे थी। तो आई मस्ट से एंड द थिंग इज़ कि दोनों फाउंडेशन जो है वो वाटर प्रूफ हैं, स्वेट प्रूफ हैं, लाइक लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने ऑयल क्लिंजर यूज़ किया था दोनों को रिमूव करने के लिए, तो पहली बारी में जो है दोनों रिमूव नहीं हुए थे तो मुझे दोबारा से अप्लाई करना पड़ा दोनों को रिमूव करने के लिए। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो दैट के कितने लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन हो सकती हैं ये और वाटर प्रूफ एज वेल। देन हम बात करेंगे पाउडर फाउंडेशन की, ठीक है। अगर कुछ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं हमें बहुत ही लाइट वेट और ऐसी चीज़ चाहिए कि वो हमारे इम्परफेक्शन यानी फेस को जो है वो ब्लर कर दे, स्मूथ कर दे और हैवी और केकी ना हो, मिनरल हो और जो कि हमारे फेस को जो है पिंपल्स गिफ्ट में ना दे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ जो है आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। तो आपके साथ मैं पाउडर फाउंडेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि एक है आयोडीन मिनरल्स का पाउडर फाउंडेशन और दूसरा जो है वो आर्ट डेको का प्योर मिनरल कॉम्पैक्ट, नहीं हाइड्रा मिनरल कॉम्पैक्ट फाउंडेशन। तो ये दोनों पाउडर फाउंडेशन हैं फॉर ऑयली स्किन। अब पाउडर फाउंडेशन होता क्या है, आपने देखा होगा लूज पाउडर जिस तरह से होता है जिससे हम अपनी अंडर आईज और अपना पूरा फेस जो है वो सेट करते हैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, तो ये वो चीज़ नहीं है। इसको आप क्या करोगे, इसको आपने सिंपल मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है अपने फेस पे या सनस्क्रीन अप्लाई करना है जो आप रोज़ाना यूज़ करते हो, ठीक है। देन आपने एक कबूकी ब्रश लेना है या एक डेंस ब्रश लेना है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, या पाउडर ब्रश लेना है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा डेंस हो। तो ये पाउडर फाउंडेशन जो होते हैं ना वो इस तरह पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आप ब्रश की मदद से इसको लोगे इस तरह से, आओ कुकड़ी जिंदाबाद, और यूं सर्कुलर मोशन में जो है अपने फेस पे से अप्लाई करोगे। तो आपने इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करना है,
जाग गई है कुकड़ी। तो मिनरल आर्ट डेको मिनरल फाउंडेशन की बात करें तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये शेड जो है 55 वार्म आइवरी, पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस। इसमें अंदर स्पंज आता है, आप स्पंज की मदद से भी इसे अप्लाई कर सकते हो या आप ब्रश की मदद से अगेन इसको इस तरह से लेके आपने जो है ना ये पाउडर फाउंडेशन जो होती हैं ये बिल्कुल बेयर फेस पे अप्लाई होती है। लाइक आप कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं करोगे, सबसे पहले आप जब मॉइस्चराइज कर लोगे अपनी स्किन को उसके बाद आपने इसे अप्लाई करना है, एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स फॉर योर स्किन। ये उन लड़कियों के लिए अच्छा है जो कि बहुत ही नेचुरल नेचुरल सुपर नेचुरल चीज़ चाहते हैं फॉर देयर स्किन, तो वो डेफिनेटली ये दो जो है पाउडर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। एक है आइडोन मिनरल्स का पाउडर फाउंडेशन और दूसरा है आर्ट डेको का मिनरल फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इस आइडोन मिनरल फाउंडेशन में जो है ये शेड है फ्रिजा 006 और इसमें है SPF 15 जो कि आपकी स्किन को जो है सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें यू विल गेट 9 grams। देन आर्ट डेको की बात करें तो आई लव पैकेजिंग दोनों की। इसमें आपको मिलेगा 10 ग्राम, लाइक पाउडर आपको 10 ग्राम ही मिलेगा। और पाउडर फाउंडेशन में एक्चुअली मेरे ख्याल से 3-4 ही कलर्स हैं आर्ट डेको में, एंड मेरे ख्याल से आइडोन मिनरल्स के तकरीबन ज़्यादा शेड्स हैं, लाइक 9 शेड्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात करती चलूँ मिलानी की, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। मिलानी अगर आपने उसका रिव्यू नहीं देखा तो आप फुल फेस ऑफ मिलानी मेकअप की वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं डाल दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसका भी रिव्यू नहीं देखा तो मतलब सबके मैं ऊपर आई बटन पे जो है वो वीडियोस डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा वो भी फॉर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसका भी मैं फुल 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 फ्लेज रिव्यू दे चुकी हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जो है मिलानी की जो है फाउंडेशन वो है वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन। एक्चुअली मैंने वो ख़रीदी थी अपने लिए और वो जो है ड्राई स्किन के लिए इज़ नॉट दैट मच गुड एज़ कम्पेयर टू ऑयली स्किन। ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए वो फाउंडेशन अच्छी है, उसकी कवरेज अच्छी है, लाइक उसको जब आप अप्लाई करते हो उसकी कवरेज इतनी अच्छी है कि आपको कंसीलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अफोर्डेबल एज वेल, ठीक है। और उसकी शेड रेंज जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, शेड रेंज है 14 शेड्स मिलेंगे आपको उसमें भी, और वो तकरीबन एशियन स्किन टोन से बहुत ही मुतफिक होते हैं, लाइक बहुत ही इजीली सूट करते हैं, लाइक आप इजीली उसमें से चूज़ कर सकते हो। और इन सारी फाउंडेशंस का जो है ना मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वो वाली फाउंडेशन जो है ना वो बहुत ही क्रीमी है और इवन काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट मैं भी ले लेती हूँ। बट मेरी स्किन जो है ना सुपर ड्राई है, एंड जब वो मैंने अप्लाई की थी तो मेरे फेस पे जो है वो बहुत ही केकी और फ्लेकी और अजीब सी लग रही थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दी जिसकी स्किन ऑयली है और उसको वो इतनी सूट की, शी लव्ड इट। तो अब ये सारी फाउंडेशन जो जिसका रिव्यू मैंने आप लोग से शेयर किया है तो वो मे भी शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर हुई साथ साथ मैं बताती चलूँ कुछ पॉइंट्स जो कि मैं बताना भूल गई, कि ये जो है रिफिलेबल है, यानी आपने इसे अगर यूज़ कर लिया तो आप दोबारा जाके आर्ट डेको में इसको रिफ़िल करा सकते हो। आर्ट हुदा ब्यूटी का मैं आपको बताना भूल गई कि उसकी लाइक सब फाउंडेशन की जो सेंट्स हैं वो अच्छी हैं, एक्सेप्ट आइडोन मिरर की फाउंडेशन जो है वो थोड़ी सी उसकी सेंट जो है वो फिशी है, जो कि अप्लाई करने के बाद ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है। बाकी सब फाउंडेशन की स्मेल्स गुड। नेक्स्ट फाउंडेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है स्टेज लाइन मैट मूज फाउंडेशन। तो इसकी पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, और ये अंदर से कुछ इस तरह से लगती है। ये है शेड आइवरी और इसमें आपको कितना मिलेगा यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ठीक ठाक क्वांटिटी आपको जो है प्रोवाइड हो रही है इस जार में। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी जो है इसकी इस तरह से है, लाइक आप देख सकते हो,
लाइक अप्लाई करने के 2 सेकेंड बाद ही ये ड्राई हो जाता है। अगर आप इसे फिंगर से अप्लाई करते हो तो वेल एंड गुड, अगर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको बहुत जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड करना होगा बिकॉज ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। और दिस फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, उन लड़कियों को जिनके बहुत ही ज़्यादा तेल निकलता है फेस पर से और वो बहुत ही ऐसी चीज़ चाहते हैं कि जो सुपर 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 लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आई थिंक कि उनको ये चीज़ ज़रूर यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एक तो अच्छा ब्रांड है, लाइक प्रोफेशनल ब्रांड है जो कि सैलून्स वगैरह में यूज़ होता है यहाँ पाकिस्तान में। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसे मैंने टेस्ट आउट नहीं किया बट इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और जब भी मैंने इसे हाथ पे अप्लाई किया है मैं बहुत सरप्राइज हुई हूँ इसे यूज़ करके। तो मे बी शायद मैं इसे यूज़ करूँ और किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ, लाइक फुल फेस मेकअप यूजिंग ऑयल फ्री मेकअप समथिंग लाइक गिव मी सम आइडियाज़ फॉर वीडियोज़, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ आइडियाज़ हो गई हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।